हमारी संस्कृति में जमीन को माँ कहा जाता है और उस माँ को सजाने सवारने वाला और उससे अनाज उगाकर देश की भूख मिटाने वाला किसान किसी फरिश्ते से कम नहीं है, ऐसा मानना है अदानी ग्रुप का। मौजूदा हालात में किसानों को भड़काने के लिए कुछ लोग अदानी पर गलत आरोप लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि अदानी किसानों से सीधा अनाज खरीदकर जमाखोरी को बढ़ावा देता है। सच तो यह है कि अदानी कभी किसानों से अनाज नहीं खरीदता, सिर्फ अनाज को संरक्षित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को अन्न भंडार गृह मुहैया करवाता है। ये भी बात फैलाई जा रही है कि अदानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसानों का शोषण करता है। सच्चाई ये है कि अदानी ना ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंध रखता है और ना ही भविष्य में ऐसा करने के मंसूबे रखता है। एक और सफेद झूठ कि अदानी बड़े पैमाने पर कृषि संबंधित भूमि अधिग्रहित करता है। हकीकत यह है कि अदानी कभी कृषि के लिए जमीन नहीं खरीदता। जो भी जमीन ली गई है वो सिर्फ FCI के अन्न भंडार गृहों के निर्माण के लिए है। इन विश्व स्तरीय आधुनिक और वैज्ञानिक अन्न भंडार गृहों का निर्माण किया गया है ताकि देश का हजारों टन अनाज सुरक्षित रह सके। मतलब अदानी एग्री लॉजिस्टिक्स देश के अनाज को सुरक्षित रखने हेतु ही काम करती है। देश के हजारों युवाओं को रोजगार देकर उनके सपनों को उड़ान देने वाला अदानी राष्ट्र निर्माण में विश्वास रखता है। अदानी देश के किसानों में भरोसा रखता है। झूठी अफवाहों से बचें, झूठी खबरों से दूर रहें। आइए मिलकर देश को विकास की ओर बढ़ाएं।